दोस्तों हरियाणा पुलिस अपकमिंग भर्ती। दोस्तों आज हमें हरियाणा पुलिस में ड्राइवर, एसपीओ और आपकी जो कांस्टेबल के पदों पर जो नई भर्ती आने वाली हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच गए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योग स्मार्ट। दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, सभी सब्जेक्ट के हैंडराइटिंग के नोट्स हमने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा रखे हैं जो कि बिल्कुल फ्री में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हम हरियाणा की हर छोटी बड़ी खबर, हर योजना के बारे में और हर भर्ती के बारे में सबसे पहले आपके पास इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले तो हम ड्राइवर के पदों पर। दोस्तों पहले क्या होता है कि हरियाणा पुलिस में जो कॉन्स्टेबल हैं वो ड्राइवरी का काम करते हैं क्योंकि गाड़ियाँ चलाते हैं, आप सभी को पता है। लेकिन आगे इसकी जो है ड्राइवर के पदों पर ही भर्ती करवाई जाएगी और दोस्तों इसमें लगभग आपके 3-3.5 हज़ार पदों पर ही आपकी भर्ती रहने वाली है और इसी के साथ दोस्तों एसपीओ के पदों पर भी आपकी ये भर्ती प्रक्रिया रहने वाली है। डायल 112 जो नंबर की गाड़ियां हैं उनके ऊपर अब ड्राइवर की भर्ती करवाई जाएगी, पक्के ड्राइवर की भर्ती होगी दोस्तों और उनसे ही गाड़ियां चलवाई जाएंगी। अब ये नहीं है कि कांस्टेबल के पास ही गाड़ियां चलवाई जाएंगी, पहले कांस्टेबल चला ले हैं फिरार, लेकिन अब कांस्टेबल की बजाय अब स्पेशल ड्राइवर के पदों पर ये भर्ती होने वाली हैं। और दोस्तों इसी के साथ साथ एसपीओ के जो पद हैं उन पर भी ये भर्ती करवाई जाएंगी और टोटल मान के ये चलो कि 4-4.5 हज़ार जो है इन पर ये भर्तियां होने वाली हैं, 4-4.5 हज़ार पदों पर। और इसके साथ साथ दोस्तों हरियाणा पुलिस में मेल कांस्टेबल और फीमेल कांस्टेबल को लेकर भी आने वाली भर्तियों की बड़ी खबर है कि भाई कब तक ये भर्तियाँ आएँगी। तो दोस्तों ये बात तो आप सभी को पता है कि भाई हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है उसको सीटी के अंदर डाल दिया गया है, अब हरियाणा पुलिस की जो भर्ती होगी वो सीटी के अकॉर्डिंग ही आपकी भर्ती करवाई जाएगी, ये तो आप सभी को कंफर्म हो चुका है। और सीटी के अंदर दोस्तों ग्रुप सी के अंतर्गत जो है हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती आती है, इसके लिए आपके पास 12th होनी ज़रूरी है। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी नई भर्ती जो 2023 की आने की बात कही जा रही है, आपने सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियो भी देखी होंगी और काफ़ी न्यूज़ भी देखी होंगी कि भाई आने वाले समय में कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती आने वाली है। तो दोस्तों हमारी चेयरमैन साहब से बात हुई थी, चेयरमैन साहब ने यही बताया कि भाई हम इसके लिए अलग से एक जो शेड्यूल है उसको तैयार कर रहे हैं कि भाई क्या इसका पेपर पैटर्न रहने वाला है, किस प्रकार से इस भर्ती को करवाया जाएगा, क्योंकि ये भर्ती जो है वो अब सीटी के अकॉर्डिंग कर दी गई है। पहले जो प्रोसेस अलग होती थी अब क्या प्रोसेस के साथ इन भर्तियों को करवाया जाएगा। और ये मान के चलो दोस्तों 2023 में जून या जुलाई में ये भर्तियां आ सकती हैं आपकी और लगभग कांस्टेबल के पदों पर 6-7 हज़ार पदों पर आपकी भर्ती रहने वाली हैं। इसमें मेल कांस्टेबल और फीमेल कांस्टेबल दोनों इस भर्ती में शामिल रहने वाले हैं। तो दोस्तों हरियाणा पुलिस से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए, हर भर्ती के बारे में हर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, सभी टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्मेशन हम सबसे पहले शेयर करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।